पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 12वीं के बच्चे भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हम आपको बता दें कि CBSE, ICSE बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो गई थी और उनका रिजल्ट भी जुलाई 15 तक घोषित हो जाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन PSEB यानी कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई भी समाचार नहीं आया है। विद्यार्थी इस बात को लेकर बहुत परेशान है। उनके एग्जाम अभी भी पेंडिंग हैं, जो कि लॉकडाउन होने के कारण रह गए थे। वे जानना चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई को कैसे जारी रखें, क्योंकि PSEB बोर्ड कोई भी सूचना नहीं दे रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवार्ता। कोरोना वायरस के चलते बच्चों का एग्जाम दे पाना संभव नहीं था, लेकिन काफी समय होने के बाद बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि बोर्ड उन्हें प्रमोट करेगा या फिर उनके एग्जाम लिए जाएंगे। यदि एग्जाम लिए जाएंगे तो किस प्रकार लिए जाएंगे, क्योंकि इस संकट में एग्जाम लेना संभव नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों के बहुत से सवाल हैं, उन्हें किस बात की परेशानी आई है, आइए जानते हैं। हेलो, मेरा नाम मोहित कुमार, मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड तो प्लस टू कर रहा हूँ। लॉकडाउन के कारण साढ़े प्लस टू के पेपर बेच ही अटके हुए हैं। आप सारे बच्चे बहुत कन्फ्यूज हैं, सानू समझ नहीं आ रहा कि पेपर दोबारा होने हैं या फिर सानू अगली क्लास से ही प्रमोट कर देना है। मैं चाहता कि सरकार ये गल क्लीयर कर दे, क्योंकि आप अगे अपने एम वाल बच सकी। धन्यवाद। मेरा नाम एरिकेशन है, मैं प्लस टू नॉन मेडिकल के पेपर दे रहा हूँ, जिसके तीन पेपर रह गए थे। लॉकडाउन लग गया, ना ही कोई साडा रिजल्ट आ रहा है, ना हुण कोई न्यूज़ आ रही है वो बारे। जां तां सानू सरकार वालों मतलब पास किया जाए, तो जां फिर जिद्दां सरकार ग्रेड दे रही है जां सानू उहदे नंबर मिल जाए। हमने कुछ विद्यार्थियों से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट ने फीस जमा कराने का फैसला सुनाया है, तो वे अपने कॉलेज के एडमिशन फीस जमा करवा दें या नहीं, वे असमंजस में पड़ गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि PSEB ने कोई भी नोटिस नहीं भेजा, तो वे इस बात से परेशान है कि वे एग्जाम्स की तैयारी करें या आगे के पढ़ाई के कॉम्पिटिशन की। कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि परीक्षाएं रद्द हो जानी चाहिए, लेकिन यह भी तय रही है अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। आइए जानते हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का क्या कहना है इसके बारे में। मेरा बेटा 12th के पेपर देना पे नॉन मेडिकल दे, जेडे कि कोरोना वायरस करके रुक गए, तो मैं चाहनी हूँ कि इन्हां दे पेपर जल्दी हो जाए। जे अदरवाइज पेपर नहीं होंगे तो सानू पंजाब गवर्नमेंट है जी अपना फैसला दे कोई इन्हां दा बच्चों का, जा इन्हां दे बच्चों दे असीं अगे एडमिशन करवा सकीए। तो जे इन्हां नू प्रमोट करना चाहती है तो इन्हां नू मार्क्स दे के प्रमोट करे। बच्चा प्लस टू के पेपर दे रहा है तो वह लॉकडाउन करके उन्होंने कुछ भी नहीं है, पेपर उन्होंने उत्थे ही रुक गए हैं और पेपर नहीं दे पा रहे। तो असं सारे पेरेंट्स क्या सारे यही चाहते हैं कि सरकार कोई भी फैसला ले, जो भी बच्चे अगे अपने फ्यूचर बारे कोई भी फैसला ले लैन, जो भी उन्होंने करना चाहते हैं। तो इस करके साड़ी तो यही सारे की रिक्वेस्ट है पेरेंट्स की कि सरकार जल्दी तो जल्दी इस बारे फैसला ले। मैं गवर्नमेंट में अपील करनी चाहना कि मेरा बेटा जो कि प्लस टू के आर्ट्स एग्जाम दे रहा है, वो एग्जाम पूरे नहीं हो पाए इस बीमारी करके, लॉकडाउन करके। तो मैं ये गवर्नमेंट नूं अपील करना चाहना कि मेरे बच्चे नूं जां सारे बच्चों के फ्यूचर बारे ये कहना चाहना कि सारे दे बच्चों के एग्जाम होण, ताकि उन्होंने वध तो वध मार्क्स आण उन्हां दी पढ़ाई दे बेस ते, ते ग्रेटां च ना नंबर दिते जाण, क्योंकि अपने जिहड़े आ मार्क्स ही सामने ते उत्ते ही पता लगेगा कि बच्चे के किन्ने क मार्क्स हैगे भी अगे वो की करना चाहते हैं, तो उस फ्यूचर नूं देखदे हुए बच्चों के जिहड़े आ वो एग्जाम होण। हम चाहते हैं कि PSEB बोर्ड इस वीडियो को देखे, इनकी परेशानियों को समझे और जल्द से जल्द अपना ठोस फैसला सुनाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रियंका जरियाल और आप देख रहे हैं एडवार्ता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ऑप्शन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी एजुकेशन से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को पब्लिक के सामने लेकर आए तो हमें edwarta@gmail.com पर भेज दीजिए। धन्यवाद।